तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपडेट ऑफिशियल ज्ञान। तो होप करता हूं आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं फ्रेंड्स, ये स्पाइस एक्स लाइफ इजी स्मार्टफोन का फ्रेंड्स 4 साल पुराना बॉक्स। और फ्रेंड्स, हम आपको बॉक्स के मतलब बॉक्स दिखाएंगे और फ्रेंड्स बॉक्स में क्या क्या फीचर्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स वो बताएंगे। और फ्रेंड्स, आपको मज़ा तो काफ़ी आने वाला है कि फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि 4 साल पुराने मोबाइल में पता नहीं कैसे कैसे फीचर्स होने वाले हैं और फ्रेंड्स कितनी रैम होने वाली है, कितनी स्टोरेज होती थी पहले पुराने मोबाइल में। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स ये स्पाइस ब्रांड का है। फ्रेंड्स, स्पाइस तो अब देखने को भी नहीं मिलती है क्योंकि फ्रेंड्स स्पाइस हमारा खुद का इंडियन ब्रांड है। और फ्रेंड्स, पहले मैंने ये स्पाइस का फ़ोन मंगाया था 4 साल पहले। फ्रेंड्स, ये मेरे घर पे डब्बा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं दिखाऊं और आपको मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट दिखाऊं, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहले जियोनी का कंटेंट दिखाया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इसके फीचर्स बताएंगे और फ्रेंड्स और ये बॉक्स अच्छे से दिखाएंगे फ्रेंड्स फ़ोन दिखता कैसा है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स बॉक्स में फ़ोन के पूरा मतलब कि ग्राफिक्स ड्रॉ है। और फ्रेंड्स, आपको फीचर्स बताएंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स थे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको फीचर बताते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको एंड्रॉयड का 4.4 किटकैट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मतलब ठीक है यार, 4 साल पहले के हिसाब से एंड्रॉयड 4.4 किटकैट सही है, चलो। और फ्रेंड्स, इसमें आपको 1300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है यार, मतलब 1300 mAh, तभी मैं सोचता हूँ क्यों चाइनीज़ कंपनी इतना लीड कर गई इंडिया में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी इंडिया की कंपनी तो महान फीचर देती है फ्रेंड्स, पूछने ही मतलब कि ऐसे फीचर्स देते हैं हमारी इंडिया की कंपनियाँ फ्रेंड्स, तभी फ्रेंड्स शाओमी ने कदम रख लिया इंडिया में और फ्रेंड्स बाजी मार ली, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में उनको टक्कर देने लायक उनके स्मार्टफोन के हिसाब से फीचर्स प्रोवाइड करने वाली हमारी इंडियन कंपनी तो नहीं थी फ्रेंड्स। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है 8.89 सेंटीमीटर का 3.5 कैप ये कैपेसिटिव स्क्रीन। और फ्रेंड्स, इसमें आपको 1 GHz का प्रोसेसर, वाह 1 GHz का प्रोसेसर, तभी फ्रेंड्स शाओमी ने अपने फ़ोन्स लॉन्च करे फ्रेंड्स। तीन चार साल में शाओमी ने सक्सेस अचीव कर ली इंडिया में, क्योंकि फ्रेंड्स उसने बेस्ट बजट में अच्छे फ़ोन दिए और फ्रेंड्स और उनकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी थी और फ्रेंड्स फ़ोन का लुक भी काफ़ी अच्छा था। और फ्रेंड्स, ना ही आपको इस फ़ोन में IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी, ना ही फ्रेंड्स एमोलेड, यार भाई सॉरी, एमोलेड नहीं देखने को मिलेगी इसमें यार, 4 साल पहले की बात आ रहा हूँ यार, स्पाइस की बेइज्जती कर और एमोलेड नहीं देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, आपको इसमें देखने को मिल जाता है 512 MB रोम। फ्रेंड्स, तभी तो मैं सोचूं कि स्पाइस फ्लॉप क्यों हो गई। तो फ्रेंड्स, स्पाइस ने इसमें दे रखा है 512 MB रोम। और चलिए मेन मुद्दे में आ जाते हैं, इसमें रैम कितनी मिलती है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको, अरे यार सस्पेंस क्यों बना रहा हूँ मैं, इसमें आपको 256 GB नहीं यार MB 256 MB रैम देखने को मिलती, वाह 256 MB रैम। फ्रेंड्स, स्पाइस वालों को यार शर्म भी नहीं आती थी फ्रेंड्स, 256 MB रैम फ्रेंड्स आजकल जियो फ़ोन में देखने को मिल जाती, 512 MB रोम और फ्रेंड्स 512 MB रोम नहीं देखने को मिलती फ्रेंड्स जियो फ़ोन में, 512 MB तो उसमें फ्रेंड्स रैम देखने को मिलती है यार, वापस से बेइज्जती कर दी मैंने, सॉरी स्पाइस की बेइज्जती के लिए। फ्रेंड्स, उसमें आपको 1 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है और फ्रेंड्स उसमें आपको 512 MB रैम देखने को मिलती है, जो कि फ्रेंड्स इससे काफ़ी बेटर है। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको बाहुबली कैमरा तो नहीं मिलता है, 2 MP का कैमरा मिलता है, यार मेरा PC बार बार, फ्रेंड्स इसमें आपको 2 MP का कैमरा देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको 1300 mAh की बैटरी मिलती है। और फ्रेंड्स, आपको इसमें डुअल सिम 2G+2G। और फ्रेंड्स, आपको इसकी प्राइस जान के बहुत ही खुशी होगी और दिल में खुजली उठेगी फ्रेंड्स, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। फ्रेंड्स, ये सुन के थोड़ा दिल में सुकून हो रहा है। और फ्रेंड्स, इसमें आपको जी सेंसर, AGPS, FM रेडियो और फ्रेंड्स 3.5 mm जैक मिलता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट भी दे देते हैं लोग, वाईफाई एज। फ्रेंड्स, इसकी चलिए मेन बात आ जाते हैं, इसकी प्राइस क्या है फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स इसकी प्राइस है 1800 रुपीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब तो मैं बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ गया है कि क्यों फ्रेंड्स शाओमी ने इंडिया में सक्सेस अचीव करी। इन्हीं फ्रेंड्स रॉस्ट फीचर की वजह से फ्रेंड्स चाइनीज़ कंपनियों को हमारे इंडिया में आना पड़ा, और फ्रेंड्स अफसोस की बात है सक्सेस भी मिल गई, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी इंडियन कंपनी इतना मतलब कि इतने फीचर्स स्पेसिफिकेशन लुक और फ्रेंड्स वो इतना प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। और फ्रेंड्स अब तो गेमिंग का ज़माना है, तो नहीं अब बेइज्जती नहीं करूँगा, मतलब कि 4 साल पुराना मोबाइल है फिर भी शाओमी ने 3 साल पहले से अच्छे अच्छे मोबाइल लॉन्च करे। फ्रेंड्स चलिए इन पे वीडियो को एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज कर दे यार चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल से मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे हमारे नए अपडेट्स आपके फोन में जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड, अरे भैया अभी कहाँ एंड, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, टिल देन बाय बाय।